जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है नॉर्मली, ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगस्त माह में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वह होने वाला है, तो लगभग आपकी परीक्षा होने में लगभग 20 दिन जो है वह शेष बचा है। तो आगे आप लोग को क्या करना चाहिए, कितना टारगेट रखना चाहिए, इस टाइम पढ़ने की जो प्रक्रिया वह किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके जो बचे हुए दिन हैं पेपर में, सबसे उपयोगी जो आपका है वो जितना भी हो सके, जितना भी अब तक आपने पढ़ा है, सबसे पहले उतने को आप लोग कवर कर लीजिए और उसका जो है रिवीजन बराबर करते रहिए। क्योंकि जितना भी पढ़ा आपने, लगभग 70% आपने कोर्स पढ़ा होगा या 80% कोर्स आपने पढ़ा होगा, उसका जितना हो सके आप लोग उतना रिवीजन कर लीजिए। नया पढ़ने पर जो है जोर मत दीजिए। कोई भी कोर्स को एक बार 100% पढ़ने से अच्छा है आप 70% पढ़िए या 80% पढ़िए, जो है उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, वह ज़्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि आपका जो पेपर होगा, अगर आप लोग 70% मार्क्स लाते हैं आपके पेपर अपने पेपर में, तो 15 से 105 क्वेश्चन मतलब 210 नंबर हो जाएगा, 210 नंबर मतलब आपका बहुत अच्छा मार्क्स होगा। क्योंकि जिस प्रकार से वैकेंसी इस बार है और इतनी वैकेंसी जो है UPP की पीछे कभी देखने को लगभग नहीं मिली थी, और यही कारण जो है इस बार जो अगर पेपर का स्तर पिछली बार की अपेक्षा रहता है तो कट ऑफ आप देखेंगे लगभग, अगर स्तर वही हिसाब से रहा तो लगभग 180 प्लस वाले जो लड़के होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनके अच्छे मार्क होंगे। तो आप लोग जो टारगेट रखिएगा कि मैक्सिमम जो है 200 प्लस मार्क्स लाने का पूरा प्रयास करिएगा। तो आप लोग अगर 70% का जो कोर्स पढ़ा है, आप लोग अच्छे से उसे 2 बार 3 बार जितना भी हो सके उसका आप लोग रिविजन करिए। नया पढ़ने पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा। और इस समय जो है आप लोग लगभग इतना 70% 80% जो है कोर्स पढ़ चुके होंगे, इस समय जितना हो सके आप लोग उतना टेस्ट दीजिए। इसमें आप फुल टेस्ट दीजिए तो पूरा जो है जितना सिलेबस सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सिलेबस में जो है क्या क्या चीज़ें हमसे छूट रही हैं। और जो भी सेक्शन आपको कमज़ोर लगता हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे GS का, चाहे आपका हिंदी का, जो भी सेक्शन आपको कमज़ोर लगे उसका आप लोग सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए, जिससे जो है वो भी आपका बेहतर हो जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप लोग टेस्ट देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले टेस्ट सही नहीं दिए रहेंगे आप लोग, तो परीक्षा में जो है आता हुआ प्रश्न भी आप लोग जो है नहीं कर पाएंगे। मैथ कैसे क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग कैसे क्वेश्चन, जो आपको उलझा देंगे, तो ऐसी उलझन को आप लोग पहले जो है टेस्ट के रूप में पहले इसको सॉल्व किए रहेंगे, तो परीक्षा में जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये जो परीक्षा का जो दबाव है वो आप झेल पाएंगे। नहीं तो जो है आता हुआ प्रश्न भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके जो है अगले 20 दिन में आप लोग अधिक से अधिक जो है टेस्ट दीजिए। टेस्ट से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे जो है सारे टॉपिक उससे कवर भी हो जाएंगे और कम पढ़कर जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जो है आपको UPP का पूरे 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें जो है इसकी जो फीस आपकी 99 रुपये है, उसमें आप लोग जब कोड लगा देंगे, कूपन कोड लगाएंगे ज्ञान सर जब कूपन कोड लगा देंगे तो उसकी जो फीस हो जाएगी आपकी 49 रुपये हो जाएगी। आपको 49 रुपये में जो है 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाएगा और इसमें जो है पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो टोटल जो आप लोग 1500, एक टेस्ट में आपको 150-150 प्रश्न है और पूरा 10 टेस्ट आप लोग सॉल्व करेंगे, टोटल आपको जो है 1500 प्रश्न सॉल्व करने को मौका मिलेगा। और इसकी जो फीस रखी गई है, आप मिनिमम फीस रखी गई है आपकी 49 रुपये। आप एक कॉपी भी खरीदते हैं, 50 रुपये में कॉपी खरीदते हैं, यहाँ पे आपको 1500 प्रश्न पे जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ में जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे लेवल का बनाया गया है और इससे जो है आप लोग अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इन टेस्ट सीरीज को जो है एक्सप्लेनेशन से जो है आप लोग
60 नोट्स बना लीजिए, जिससे कम टाइम में जो है आप लोग रिविजन कर सकें। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अभी कमजोर है या उसका रिविजन आपको करना है, तो आप लोग हमारे मेन चैनल पर जाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विस पर जाकर जो है उससे क्योंकि रिविजन कर सकते हैं। आप पॉलिटी का आपको रिविजन करना है, आपको हिस्ट्री का रिविजन करना है, आपको करंट अफेयर आपको रिविजन करना है हर मंथ का, सब कुछ आपको मेन चैनल पर जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस है वहां से आप रिविजन कर सकते हैं। आप लोग ऐसे वीडियो को जो है लिस्टिंग वाली वीडियो है, जो पापा वीडियो आपकी पड़ी हुई है, उसमें आप ऑडियो को स्पीड जो है आप बढ़ा सकते हैं। आपको रिविजन करना है तो आप लोग जितना हो सके आप लोग वीडियो को सिर्फ देखिए सुनिए, नोट करने के चक्कर मत रहिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए और तीसरी बार में आप लोग 60 नोट उसका बना लीजिए, तो पूरी क्वालिटी आप लोग जो है 2 से 3 घंटे में पूरा क्वालिटी खत्म कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग हिस्ट्री खत्म कर सकते हैं, ज्योग्राफी खत्म कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है इन सबको रिविजन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पिक दिखा दे रहा हूँ, जैसे पॉलिटी का आप रिविजन कर सकते हैं, हिस्ट्री का रिविजन कर सकते हैं। ये थंबनेल लगा हुआ जो फोटो है ये आपको चैनल पर उपलब्ध होगा। बाकी मैं कुछ प्लेलिस्ट जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग इस प्लेलिस्ट के अनुसार जो है, जैसे करंट अफेयर का आपको रिविजन करना है, इससे जो है जनवरी से जून 2024 तक का आप लोग पापा वीडियो देख सकते हैं और इससे जो है पूरा रिविजन कर सकते हैं अपने करंट अफेयर का। इसी प्रकार से विज्ञान का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, सब कुछ का जो है पापा वीडियो हमारे मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विस पढ़ा है। आप लोग जो है वहां से पूरा रिवीजन कर सकते हैं और अपने जो 20 दिन आपके बचे हुए हैं, आप हर एक सब्जेक्ट को जो है 60 नोट्स बनाते चलिए और उसका रिवीजन करते चलिए। और जितना भी हो सके आप लोग टेस्ट सीरीज पे विशेष फोकस करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और आपके जो तैयारी है उसका भी आप लोग मूल्यांकन करते चलेंगे। जिस सेक्शन में आपके नंबर कम होते हैं आप लोग उसका जो है रिविजन भी करते चलिए और अपना जो टारगेट है आप लोग 200 प्लस का टारगेट बनाए रहिए। और वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, आप लोग पेशेंस बनाए रहिए और अधिक से अधिक लोगों का जो है सिलेक्शन होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।